प्यारे बेटी चोर, तुम हमरे बारे में खूब उल्टा पुल्टा सभी को बकले घुटा है ना? अरे कौन बोला पापा जी आपको? हमको पता चल गया है सब। आप भी जो है ना पापा जी, माल पटाते 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 जो है ना माल ही आपकी को पटा लिया, इसीलिए जो है ना सब कुछ आपको हर दम पता चलते रहता है मेरे बारे में। हम क्या बोले नहीं बोले? अरे साला, तुम जितना होशियार बनता है ना उतना होशियार तुम है नहीं, लेकिन तुम ये जो है ना उल्टा पुल्टा खोपड़ी वाला दिमाग जो हरदम लड़ाते रहता है ना, इसका तुमको दूर जाना भोगना पड़ेगा एक दिन बेटा। तुम ये बात को कॉपी कलम पे लिख लो, समझ गया? कॉपी कलम पे लिख के क्या करेंगे, उसको फिर छीलेंगे हम कि उखाड़ेंगे हम? क्या करेंगे कॉपी कलम में लिख के जो आप ऐसे बकचोदी वाला गप कर रहे हैं हमसे? अरे हम बकचोदी वाला गप करते हैं कि तुम बकचोदी वाला गप करता है, वो तो समय बताएगा बेटा तुमको, समझ गया? मेरा तो कान भरिए रहा है अभी तक तुम्हारा ये कॉम्प्लेन सुनते सुनते, लेकिन जिस दिन मेरा दिमाग घूर गया, माथा घूर गया, उस दिन बेटा हम तुमको जो है पूरा घुरा देंगे, और तब तुमको दिमाग सूझेगा हम सही हैं कि तुम सही है। जिस दिन हमको घुराइएगा उस दिन हम भी आपको पूरा घुरा देंगे, आप भी क्या सोचिएगा? अरे वो कहावत नहीं सुना है, खाने के लिए नहीं है नहाने के लिए भोरे, वही कुख्यात वाला लक्षण तुम में देखते हैं। रात में क्या खाएगा पता नहीं, लेकिन दिन में तुम ऐसे फुटानी करता है जैसे लगता है तुम्हारे ऐसा हीरो अभी इस गांव में कोई बचा ही नहीं। नंगता पानी वाला गप मत करिए पापा जी मेरे सामने में, समझे? नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अभी, और फिर हम आपको जो है कुछ से कुछ कर देंगे, म्याज हो जाएगा आपका फ्रेश, और फ्रेश नहीं म्याज आपका पूरा बुलंद भी हो जाएगा, इस बात को ख्याल रखिए आप। अरे साला, तुमको दो अक्षर का ज्ञान नहीं दिए, हमसे भारी मिस्टेक हुआ। दो अक्षर ज्ञान जो दे दिए ना तुमको बेटा, तुम कपार पे चढ़ के ना मुचने लगा छुर 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 छुर, ऐसे भी मेरा ये को बेटा अभी कपार पे चढ़ के अभी तक नहीं मुटा है छुर छुर। तुम साला इतना छुर छुर मुटने लगा ना कि मेरा पूरा शरीर गमक रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। अरे अभी छुर छुर मुटवे किए हैं, वो मुटा हुआ छुर छुर जो है ना अभी आपको पीना भी पड़ जाएगा, समझे? आप बहुत ज़्यादा होशियार बन रहे हैं ना, सब होशियार पानी आपका जो है ना गाड़ी में घुस जाएगा तुरंत। वो बेटा होशियार पानी किसका गार में घुसेगा नहीं घुसेगा, वो तो बेटा तुमको समय बताएगा। तुम जितना होशियार बन रहे हो और जितना तुम मुंह लगा रहे हो, तुम अभी हम तो तुमको बेटा कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खाओ पियो गाली गलौज सब बको, जिस दिन समय आएगा उस दिन सारा तुमको बड़ मार मारेंगे, तुम खाली समय का इंतजार करो। साला बुढ़ा बेटी चुनंका, छोरी बाजी करता है तुम, माल पटाता है तुम, और बदनाम हम क्यों होएंगे? अगर छोरी बाजी तुम पटाएगा, माल तुम पटाएगा, तो लाज जुटा कौन खाएगा, हम कि तुम खाओगे? अरे साला, तुम्हारे चक्कर में तो कल हम लाज जुटा सब कुछ तो खा लिए, अब मेरा बचा क्या? ये वो माल नहीं पटाए लाज जुटा सब खा लिए, इस सब करदानी तुम्हारा ही है। अगर तुम साला ऐसे नहीं करता तो आज हम लाज जुटा नहीं खाते, बुढ़ारी पे मेरा वो गंजन तुम करवा दिया कि कोई बुढ़वा को ऐसा गंजन अभी तक हम नहीं देखे थे कहीं पर भी नहीं, वो गंजन साला तुम हमको करवा दिया। अरे बुढ़ारी पर जो है ना पापा जी अभी तो गंजन हुआ है, हम तो सोचे थे कि आपको हॉस्पिटल घुसा देता ना तो बड़ी मजा आता, बड़ी बुढ़ारी पे माल पटाने का शौक है ना, सब शौक भुटा जाता। साला ये अवस्था में लोग घर में आराम करता है, ये साला बुढ़ा ये अवस्था में दिन भर गांव में खाली माल पटाते रहता है, किसके यहाँ सुंदरी है नहीं है साला देखते रहता है दिन दिन भर। अच्छा बेटा, इसीलिए तुम हमको लाज जुटा खिलवा दिया ना? कांड करिएगा आप तो लाज जुटा कौन खाएगा, हम नहीं खाएंगे पापा जी। अरे बेटा, कहने का मतलब कल जो हम लाज जुटा खाए हैं उसमें साला तुम पूरा शामिल है, तुम ही साला सब आदमी को भेजा था जो कि हमको जो है पकड़ के रगेट के मारा, वो भी साला नंगा दौड़ा दौड़ा के गार खोल के मारा, साला गार फुलाया है पैर फुलाया है क्या क्या मेरा फूला है समझ में नहीं आता है, सब कुछ फूल गया है इतना साला दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये सब खेल बेटा तुम ही खेला है, कहने का मतलब है कल तब हम इतना मार खाए हैं, आज मुँह से बोली नहीं फूटता है और हम ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं।
अरे लाल जूता खाए तो हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम लाल जूता खाते तो हम आपको कुछ कहते नहीं ना? तो आप खाए हैं तो फिर आप हमको क्यों इतना इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? अरे वाह, इतना मारा है कि साला बुरा हाल है रे बेटा। तुम तो हमको मार खिला के मेरा करेक्टर बर्बाद कर दिया रे। अभी तक मेरा इमेज खराब नहीं हुआ था, तुम इतना मार खिलवाया है कि अब हम बुढ़ारी तक ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे रे। अब घर में बैठ के बाबा जी का घंटा ले लीजिए पापा जी, और खूब बजाइए बाबा जी का घंटा, तब आपको मजा आएगा। सब नंगन पानी अब जो है ना आपका घर में घुस जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हमको फ्रेश होने दो, तब उल्टा हम जो है तुमको नंगन पानी गार में नहीं घुसा दिए तो मेरा नाम भी घोलटू बाबा बेकार हो जाएगा। रुको, थोड़ा सा हमको ठीक होने दो पहले।